हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकर होम। आज मैं 24 एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूं, जो आप घर पर कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। एक ग्लास में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और इसमें पेपर डुबाएंगे, डुबा के निकालेंगे। देखिए इसका क्या होता है। वाओ, अमेजिंग। देखिए, वाह। आधा ग्लास पानी लेंगे, उसके बाद एक चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे और लिक्विड सोप इसमें थोड़ा सा डालेंगे। इसको मिक्स कर देंगे अच्छा तरीका से। उसके बाद इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल देंगे। देखिए, वाह, अमेजिंग, इतना बड़ा फोम तैयार हो गया। देखिए, एक कटोरा में लिक्विड नाइट्रोजन लेंगे, उसके बाद इसमें फूला हुआ एक बैलून डालेंगे और इसको दबाएंगे। देखिए ये कैसे पिचक जा रहा है। देखिए, ये पूरा तरह से पिचक गया। इसको बाहर रखेंगे, फिर ये फूलने लगता है। देखिए, वाह। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इस तरह का कॉपर वायर चाहिए, इसमें इंसुलेशन नहीं होना चाहिए और जिंक प्लेटेड नेल्स चाहिए। इस घड़ी को चलाने के लिए पॉजिटिव वायर यानी रेड वायर में कॉपर वायर जोड़ देंगे, जो कि पॉजिटिव का काम करेगा, और नेगेटिव वायर में जिंक नेल जोड़ेंगे, जो कि नेगेटिव टर्मिनल का काम करेगा। एक ह्यूमन बॉडी मेटल के साथ 0.74 वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। अब हम दो ह्यूमन बॉडी के साथ ट्राई करेंगे। देखिए, दो ह्यूमन बॉडी के साथ ये चल जा रहा है, यानी कि दो ह्यूमन बॉडी से लगभग 1.5 वोल्टेज देना चाहिए। एक सादा पेपर लेंगे, इस पर दो एरो बनाएंगे और एरो के सामने एक ग्लास रख देंगे और इसमें पानी भरेंगे। देखिए, एरो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। देखिए, उसी तरह 801 के सामने ग्लास रख के उसमें पानी भरेंगे और ये 108 में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, ये ग्लास है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रहा हूँ और ये अल्कोहल, बिल्कुल बराबर मात्रा में दोनों होना चाहिए, जितना पानी उतना अल्कोहल। ये नोट है, देख सकते हैं, और इसको मैं इसमें थोड़ा सा भिगो दे रहा हूँ। आग चल रहा है, बहुत कहीं चल रहा है। ये नोट सुरक्षित देख सकते हैं यहाँ पे। एक ग्लास में पानी लेंगे, उसके बाद साइकिल रिपेयर ट्यूब सॉल्यूशन है इसमें डाल देंगे, उसके बाद इसमें आग लगाएंगे। देखिए, पानी के ऊपर आग जलने लगा। कॉर्न स्टार्च है, इसी के मदद से मैं जला के दिखाऊंगा। इसे खाने में भी यूज किया जाता है, ये मक्का से बनता है। इसको कॉर्न फ्लावर यानी मक्का का जो व्हाइट वाला आटा होता है वही है। तो चलिए इसको करके दिखा रहा हूँ मैं। एक कोई भी बर्तन लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद जिंक सल्फेट डालेंगे 3 चम्मच। थोड़ा सा जिंक प्लेट लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद एक कॉपर का सिक्का लेंगे और जिंक प्लेट के ऊपर रख देंगे। उसके बाद इसको बॉयल करेंगे 15 मिनट तक। 15 मिनट तक बॉयल करने के बाद ये इसके ऊपर जिंक प्लेटिंग हो जाता है और ये बिल्कुल चांदी की तरह दिखने लगता है ये सिक्का।
फिर इसको जब गर्म करेंगे बिना पानी के ऐसे ही, उसके बाद ये सोने की तरह दिखने लगेगा। और भी इसको चमकीला करने के लिए इसको पानी में डाल देंगे। ये डालने के पानी में डालने के बाद ये पूरा तरह से सोने की तरह दिखने लगेगा। देखिए एक पानी से भरा हुआ बोतल लेंगे, इसको उलट करके इसका ढक्कन खोल देंगे। आप देखेंगे कि ये जो पानी है धीरे धीरे गिर रहा है। फिर एक पानी से भरा हुआ बोतल लेंगे इसी तरह, इसको थोड़ा सा हिला देंगे और इसका ढक्कन खोल देंगे। देखिए इसमें का जो पानी है तेजी में गिर रहा है और बीच में टोर्नेडो भी बन रहा है। देखिए इस वाले बोतल में थोड़ा सा पानी लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा म्यूरेटिक एसिड और इस बैलून को इसमें बांध देंगे। उसके बाद थोड़ा सा एल्युमिनियम का पीस लेंगे और इसमें डाल देंगे और कैप बंद कर देंगे इसका। हाइड्रोजन गैस बनना चालू हो जाता है और 5 मिनट में ये उड़ने वाला बैलून तैयार हो जाता है। अब इसको हम उड़ा सकते हैं। देखिए ये उड़ने वाला बैलून तैयार हो गया। एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लेंगे और कोई भी कलर इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे और एक गैसोफास्ट टैबलेट इसमें डाल देंगे। उसके बाद ये लावा लैंप तैयार हो जाता है। देखिए दो सौ मिलीलीटर पानी लेंगे, उसके बाद 150 ग्राम सोडियम एसीटेट लेंगे। इसको 5 मिनट तक बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद एक ग्लास में रख देंगे। उसके बाद जब इसको छूते हैं तो ये इंस्टेंट बर्फ बन जाता है और ये काफ़ी गर्म होता है। जब हम इस बर्तन में करते हैं तो बर्फ बनते हुए दिखाई देता है। देखिए कैसे बनता है बर्फ। वाओ अमेजिंग। एक ग्लास लेंगे, इसमें पानी भर देंगे। एक कॉटन बैंडेज लेंगे, इसको काट देंगे इस तरह और मोड़ के ग्लास के ऊपर फिक्स कर देंगे रबर बैंड से। और जो एक्स्ट्रा वाला हिस्सा है इसको काट के अलग कर देंगे। उसके बाद इसको इस पर पेपर लगा के इसको पलट देंगे और पेपर हटा लेंगे। उसके बाद इसमें टूथपिक्स नीचे से लगाएंगे, फिर भी इसमें का पानी नहीं गिरता और टूथपिक्स ऊपर चला जाता है। देखिए एक ग्लास लेंगे, इसमें पानी भर देंगे और मोमबत्ती जला के और अंडा को इसके धुएं से पूरा तरह से काला कर देंगे। काला करने के बाद इसको इस अंडा को पानी में डालेंगे। ये देखिए कैसे दिखेगा। देखिए लग रहा है सिल्वर प्लेट, इस पर सिल्वर का प्लेटिंग किया हुआ है। देखिए थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे और इस पर ग्लिसरीन डाल देंगे। देखिए वाओ अमेजिंग। वाओ ये रिंग कैप है, रिंग कैप में से इसका बारूद निकाल रहा है। ये बारूद स्पेशल क्वालिटी का होता है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल रहे हैं, एक माचिस लेंगे उसका तिल्ली निकालेंगे। उसके बाद से इसको अच्छा तरीका से मिक्स कर दे रहे हैं। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा लिप लगा के सूखने के लिए रख देंगे। धूप में लगभग इसको आधा घंटा तक रखेंगे इसको सूखने के लिए। उसके बाद से ये तैयार हो जाता है। पेपर से जला के देख रहे हैं, देखिए जल जा रहा है। उसके बाद से लकड़ी पर देख रहे हैं, देखिए ये लकड़ी से भी जल गया। अंडा से देख रहे हैं,
ये अंडा से भी जल जा रहा है। एक पिन लेंगे, इस पर बैलून प्रेस करेंगे तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, और ढेर सारा पिन लेंगे, इस पर बैलून प्रेस करेंगे तो ये ब्लास्ट नहीं करेगा। देखिए, एक पानी से भरा हुआ बोतल लेंगे और सुई से इसके निचले वाले हिस्से में चारों तरफ छेद कर देंगे। उसके बाद जब इसका ढक्कन खोलते हैं तो इसमें से पानी गिरने लगता है, देखिए, और जब बंद करते हैं तो ये पानी बंद हो जाता है। जब खोलेंगे तो इसका पानी गिरने लगेगा, बंद करने पर पानी बंद हो जाता है। एक गिलास में चीनी का पाउडर लेंगे, उसके बाद इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ये इंस्टेंट ब्लैक स्नेक बनना चालू हो जाता है, देखिए, वाओ अमेजिंग, देखिए ये बनना चालू हो गया। कोको कोला के बोतल में बेकिंग सोडा डाल देंगे, देखिए, वाओ अमेजिंग। गैस स्टोव पर ये बर्तन रख देंगे गर्म करने के लिए। गर्म हो जाने के बाद इसमें ऑर्बीज बॉल डाल देंगे और देखिए इसका मैजिक। वाओ अमेजिंग, देखिए ये कैसे कूद रहा है। एक मोमबत्ती लेंगे, इसमें आग जलाएंगे। एक गिलास लेंगे, इसमें विनेगर थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और ये फायर एक्सटिंग्विशर तैयार हो गया, देखिए। एक प्लेट लेंगे, इसमें थोड़ा सा बालू ऐसे रखेंगे। अब एक गिलास लेंगे, इसमें 4 चम्मच चीनी का पाउडर लेंगे, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, इसको अच्छा तरीके से मिक्स कर देंगे। अब अल्कोहल बालू में ऐसे रखेंगे, अब जो ये मिक्सचर है इसके ऊपर रख देंगे, इसमें अब आग लगाएंगे। ये स्नेक बनना चालू हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा धीरे धीरे बनता है। इसको तेज में बनाने के लिए ये जो मिक्सचर है चीनी और बेकिंग सोडा का, इसको गर्म करना पड़ता है। मैंने पहले इसे गर्म करके रखा हुआ है, अब इसके ऊपर ये गर्म जो मिक्सचर है इस पर रख के आग लगाऊंगा और ये तेजी से स्नेक बनना चालू हो जाएगा, और अच्छा तरीके से ये बनता है, देखिए।